हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ प्रसिद्ध फलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फल यानी प्रसिद्ध फल, आम, पपीता, केला, अमरूद, अनानास जैसे फलों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तथ्य। चलिए देखते हैं। तो बाथरूम फ्रूट, किस फल को बाथरूम फ्रूट्स कहा जाता है? मैंगो, मतलब आम को बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। आम को बाथरूम फ्रूट क्यों बोला जाता है ये बताते हैं आपको। आम जो फल होता है इसको खाने के बाद बाथरूम का यूज करना पड़ता है, मतलब कि आम रसीला होता है, मीठा होता है। जब हम इसको खाते हैं तो हमारे हाथ मुंह बहुत जगह लग जाते हैं ये मीठा और रसीला होने के कारण। तो इसके लिए इसके बाद हमको बाथरूम का यूज करना पड़ा, वहां बाथरूम जाकर हाथ मुंह धुलना पड़ता है, तो इसलिए इसे बाथरूम फ्रूट बोला जाता है। दूसरा फ्रूट है ब्रेकफास्ट फ्रूट, पपीता को कहते हैं। पपीता का फ्रूट जो है उसे ब्रेकफास्ट फ्रूट बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं इसको भी जानते हैं। पपीता बहुत सॉफ्ट मुलायम होता है, खाने में बहुत यानी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसको हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी नाश्ते के रूप में खत्म कर सकते हैं, यानी इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाहे तो बहुत जल्दी जल्दी खा के खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ब्रेकफास्ट के रूप फ्रूट भी बोला जाता है, यानी ब्रेकफास्ट के रूप में लिया जाता है, जल्दी से जल्दी खा के खत्म कर देते हैं, तो इसे ब्रेकफास्ट फ्रूट इसलिए बोलते हैं। तो अगला फ्रूट देखते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइस, स्वर्ग का सेब। जो केला है उसे स्वर्ग का सेब बोलते हैं। केला जो खाया जाता है, केला जो मार्केट में बिकता है, तो उसको स्वर्ग का सेब, एप्पल ऑफ पैराडाइस बोलते हैं। और देखिए अगला फ्रूट देखते हैं, पुअर मैन्स एप्पल, मतलब गरीबों का सेब। किस फल को बोलते हैं गरीबों का सेब? जो गुआवा होता है उसको गरीबों का सेब बोलते हैं। अमरूद को गरीबों का सेब बोलते हैं। और अगला फ्रूट के बाद अगला जानते हैं, पाइन एप्पल, मतलब अनानास। अनानास के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। देखिए इसको क्या क्या बोला जाता है अनानास को, तो देख लीजिए। हेवन फ्रूट, मतलब स्वर्ग का फल, अनानास को स्वर्ग का फल भी बोलते हैं। और फ्रेंडशिप फ्रूट, मतलब दोस्ती का फल, यानी अनानास को दोस्ती का फल भी बोलते हैं। और लास्ट देख लीजिए, सिंबल ऑफ हॉस्पिटलिटी, मतलब स्वागत सत्कार का प्रतीक। जो अनानास होता है स्वागत एवं सत्कार का प्रतीक, यानी इसको देकर किसी का स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो आप लोगों के ये तथ्य कैसे लगे हमको जरूर कमेंट शेयर में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, ओके, बाय, गुड।